हाय गाइस वेलकम। तो आज आए हैं हम नई दिल्ली। नई दिल्ली के अंदर जो स्टेशन है रेलवे का, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, इसको रिडेवलप करने की बात हो रही थी। आपको इसके बारे में हो सकता है अभी भी याद हो, काफी पहले ही अपडेट आई थी और जब इसकी पिक्चर निकल करके बाहर आई थी तो ऐसा हुआ था कि मतलब ये क्या बना दिया, क्या सही में हमें इतना बढ़िया रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा। ऑल्दो अभी कुछ समय पहले हमारे रेलवे मिनिस्टर ने भी ये बताया है कि अंदर की डिजाइनिंग, टेंडर्स वगैरह काफी चीजें फाइनलाइज हो चुकी हैं इस प्रोजेक्ट की। आप उनकी थोड़ी सी बात सुनो, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा। सो दिस इज वेयर नाउ वी आर गोइंग। लुक एट दिस प्लेस। व्हाट इज दिस प्लेस? गेस। प्राइस किसके लिए? दिल्ली रेलवे स्टेशन। चलो भाई, गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। क्या नाम है आपका? मुखर्जी दादा के लिए। ग्रेट। दिस इज दिल्ली रेलवे स्टेशन, राइट? एंड यू विल से दैट आप ऐसे ही पिक्चर दिखा देते हो, नहीं साहब, इसका कंप्लीट डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, टेंडर डॉक्यूमेंट बन चुका है, टेंडर डॉक्यूमेंट निकल चुका है, 38 परमिशंस जो लेनी होती है वो सारी की सारी परमिशंस ले ली है फ्रॉम DDA, फ्रॉम दिल्ली पुलिस, फ्रॉम अर्बन आर्ट्स कमीशन, 500 जगह से आती है परमिशंस, UTPAC, उन सब से परमिशन ले ली है और इसका टेंडर मार्च के सेकेंड वीक में अवार्ड होने वाला है। इमेजिन नाउ, दिस इज, दीज आर दी टू ग्लोब्स जो आप देख रहे हो ना, ये डोम और वो वाला डोम, दीज आर ऑन टॉप ऑफ द ट्रैक्स। जो ट्रैक्स है, ट्रैक के ऊपर है ये दोनों के दोनों डोम्स। इसके अंदर मैसिव रूफ प्लाजा इनसाइड, 4 फ्लोर्स ऑफ रूफ प्लाजा। एंड कितनी जमीन नई क्रिएट हो रही है, न्यू दिल्ली स्टेशन वाले जानेंगे तो 50 acres न्यू स्पेस इज गेटिंग क्रिएटेड इनसाइड द स्टेशन। इमेजिन, दैट्स द थॉट प्रोसेस विद विच रेलवेज इज मूविंग अहेड, राइट? लुक एट दिस, कितना बड़ा फंडामेंटल चेंज आता है व्हेन यू हैव ऑल योर ट्रैफिक विच कम्स टू द स्टेशन एंड गोज आउट ऑफ इट इज ऑल ऑन एलिवेटेड रोड्स, कंप्लीटली एलिवेटेड रोड्स पे, मेक्स अ फिनोमिनल डिफरेंस इन द एंटायर सिटीज लैंडस्केप। तो डिटेल्स आपने देख ली होंगी जो भी उन्होंने बताई। उन्होंने एक और चीज बोली थी, अगर आपने ध्यान दिया हो, कि मार्च के सेकंड वीक में इसका टेंडर अलॉट हो जाएगा और काम हो गया है। 10 मार्च को इसका टेंडर खोला गया था और दो रियल स्टेट जायंट्स शपूरजी पलौंजी और लार्सन और टुब्रो दोनों ने इस वक्त तक अपनी बिड्स जमा कर दी है। अब आगे का काम ये होगा कि बिड्स को इवेल्युएट किया जाएगा प्रॉपरली और जो भी लोएस्ट बिडर रहेगा उसको 30 अप्रैल से पहले पहले प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिया जाएगा। इससे पहले भी आपने देखा होगा कुछ स्टेशन को रिडेवलप किया जा चुका है और पहले 2001-2 और 8-9 के आसपास भी गवर्नमेंट ने कोशिशें की थी कि स्टेशन को रिडेवलप किया जाए, लेकिन हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम होता रहा। अभी नई दिल्ली में लगभग 400 ट्रेन एक दिन में हैंडल करती है और इस नई ट्रांसफॉर्मेशन के बाद डेफिनेटली ये एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर बनने वाला है दिल्ली के लिए। और अब काम शुरू हो रहा है, जल्द ही खत्म होगा और एक बिल्कुल नया रेलवे स्टेशन जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा ऐसा आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी आपको पर्सनली कुछ कहना हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो में मुझे यही अपडेट देना था, मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं इंस्टा ट्विटर पर जुड़ जाना। फिर मिलूंगा। जय हिंद।